तो आ गए आप, कैसे हैं? पता है कुछ लोग फॉरेन नेम्स रख लेते हैं पर कास्ट इंडियन ही होती है, जैसे कि कोडी अरोरा, एलेक्स भाटी, और ये वाला तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, टिमोथी गुप्ता। इन नामों में कोई बुराई नहीं है, पर तुम एक्सपेक्ट क्या करते हो और निकलता क्या है? जैसे कि तुमने आवाज लगाई एलेक्स, तुम एक्सपेक्ट करते हो कि गोरा जवान आदमी आएगा जिसकी नीली आंखें होंगी, लेकिन असल में एक बंदा आएगा जो बिल्कुल भंट काला दांत है, बाहर है उसके, और तुम्हारे पास आकर अपने टट्टे खुजा रहा नहीं है। क्या लगेगा आप लोगों भाई, कंफ्यूजन हो सकती है इससे। खैर इस बारे में बात नहीं करनी हमें, हम बात करने वाले हैं उन कमीनों के बारे जो हर स्कूल में होती है, हो सकता है आपके साथ हुई हो सकता है आपके साथ नहीं हुई हो। तो भाई जैसे हुसैन घुसता है टॉयलेट में, उसी तरह हम भी आते हैं टॉयलेट पे। अब स्कूल का टॉयलेट कोई साधारण जगह नहीं है, लड़कियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लड़कों का तो वहां पे 2-2 घंटे तक हैंगआउट चलता है। लिटरली तुम 4-5 पीरियड बाद आओगे ना तो वहीं के वहीं मिलेंगे वो और बच्चे। जब लड़ाई होती है तो पूरा का पूरा झुंड चल देता है टॉयलेट के अंदर में। अरे भाई तुम लड़ने के लिए टॉयलेट के अंदर में क्यों जाओगे? अगर गलती से किसी का हाथ तुम पर पड़ गया तो तुम्हें हाइजीन की परवाह नहीं है, बाहर में जाओ भाई, हम सरते हैं तो सरने दो, फर्क नहीं पड़ता। और कुछ बच्चे हैं जो टॉयलेट में एक्सरसाइज करना शुरू कर देते मतलब हैं। एक बच्चा साइड में हल्का हो रहा है और दूसरा बच्चा साइड में पुलअप्स मार रहा है। नहीं खुद सोच के देखो कितना अजीब लगेगा। और अगर किसी टॉयलेट में एक से ज्यादा लड़के हो ना तो वहां मूतना पाप है। कोई ना कोई कमीनापंती तो करेगा भाई, लेकिन मूतने नहीं दिया जाएगा आपको। अब आते हैं असेंबली पे। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे फालतू चीजें देखी हैं, लेकिन असेंबली जैसी फालतू चीजें कभी नहीं देखी। नहीं पॉइंट क्या है असेंबली का, साले तपते धूप होती है, शाहरुख खान की नवरत्न कूल याद आ जाती है। अब असेंबली शुरू कैसे होगी? सबसे पहले आता है थॉट ऑफ द डे, जिसमें पता नहीं साले कहां से थॉट ले आते यहां हैं, भविष्य की चिंता हो रही है और साले को ज्ञान बांटना है, और फिर पसीना पीठ से सरक कर नीचे आ रही होती है, और फिर आ जाती है प्रिंसिपल की स्पीच। कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो 2-3 शब्द बोल के चले जाएंगे, लेकिन कुछ प्रिंसिपल ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा किस्सा ही सुना बैठते हैं। हम गर्मी में टॉर्चर हो रहे होते हैं और भाई साहब को किस्सा सुनाना है, वाह। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो कभी कभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं, ताकि ये लोग आपके जले पे नमक छिड़क सकें, ताकि हमें एहसास दिला सके कि कितने बेकार लोग हैं हम। तभी तो 7-8 साल तक धूप में असेंबली अटेंड करते करते हमारी शक्ल मजदूरों जैसी हो जाती है, देख कर ही पता चलता है कि लड़का स्ट्रगल कर रहा है जिंदगी में। अब आते हैं टीचर्स पे। भाई मैं पहले बता देता हूँ, मैं टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका मजाक उड़ाना गलत बात है, वेरी रॉन्ग, वेरी 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 रॉन्ग। उनकी बात हम करेंगे अगली वीडियो में। बहुत बोलिया भाई। भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और नए हो तो वो लाल कलर का बटन दिख रहा है ना, उस पर मुंह तो उस पर पुलअप्स करो। मुझे कुछ नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, मुझे कुछ नहीं तो पता। चलता हूँ, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जैसी शक्ल है तेरी, कुत्ते जैसी शक्ल है तेरी, सूअर जैसे बाल, एक तू ही है वहाँ सारे, बाकी सब नहीं।